तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एकदम नई नवेली हीरो के स्प्लेंडर प्लस के बारे में, जो कि इसमें कुछ ऐसा नया आ चुका है जो कि हम लोग बोलते थे सालों से कि वो आएगा, तो लो अब वो आ चुका है। और वो है फ्रंट टू मिरर डिस्क, जो कि बहुत बड़ी बात है। हम लोग करीब 1.5 साल से इस बात को लेकर के बोल रहे थे कि यार वो गाड़ी तैयार है, बस बजट लोगों का ऐसा है कि वो धीमे धीमे बढ़ाते, मतलब नॉर्मल से ब्लैक एडिशन, गोल्ड एडिशन, उसके बाद एक्सटेक, फिर एक्सटेक में स्पेशल एडिशन, फिर 01, उसके बाद अब जा कर के ये एक्सटेक वाले वेरिएंट में ही आपको डिस्क फ्रंट में मिल चुकी है। अब ये मत कहना कि ये कोई इमेज है, तो इमेज नहीं है, मैंने हिला करके भी आपको दिखा दिया। तो फ्रंट में आपको डिस्क अब जो है मिल चुकी है। और मैं बता देता हूँ, ये है आपको जो ग्लैमर की जो डिस्क आती है, सेम वही वाली डिस्क है, वही वाला सॉकर है, वही वाले ही इसमें कैलिपर भी दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि जो इसका फ्रंट वाला ये हिस्सा है जिसके थ्रू इसमें डिस्क लगी है, वो ग्लैमर का है। तो अब बहुत से लोग होंगे जो मॉडिफाई करने के चक्कर में होंगे, तो ऐसा मत करना, क्योंकि जो इसकी हैंडल टी है वो शायद आपको जो है उतना सपोर्ट ना करे। बाकी अगर देखें यहाँ से, तो इसकी जो रिम है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, क्योंकि पुराने वाली रिम कुछ इस तरीके से आया करती थी, लेकिन अभी जो है इसमें ये वाली रिम देखने को मिल जाती है। फ्रंट में सस्पेंशन पर ही आपको जो है रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। ट्यूबलेस टायर दे दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। MRF के टायर हैं, 80/18 का यहाँ पर आपको फ्रंट में टायर देखने को मिल जाता है। एक और चीज़, ABS फिलहाल अभी नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इसमें CBS आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि जब आप शायद रियर ब्रेक मारते हो तो फ्रंट वाली ब्रेक भी थोड़ा बहुत अप्लाई हो जाती है, उसकी आप सेटिंग थोड़ा बहुत करवा सकते हो बाद में। तो ऑलमोस्ट जो है ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है। खुद CBS मैंने भी चलाया हुआ है कुछ बाइकों में, तो हाँ CBS काफ़ी काम आता है। बाकी अगर देखा जाए तो इसमें जो है इसका जो यूटिलिटी बॉक्स है वो चेंज हो चुका है, जो कि पहले थोड़ा बहुत छोटा और अजीब से शेप का था, लेकिन अभी ये जो है थोड़ा बड़ा और ऐसा शेप में आ रहा है। शेप अजीब क्या, मतलब ऐसे ही कह सकते हैं, बाकी यहाँ पर अब आ रहा है। बाकी पहले ये मैट फिनिश में आया था इसका फ्रंट सस्पेंशन, जो कि अब जो है ग्लॉसी फिनिश में देखने को आपको मिल जाता है। वहीं अगर देखें तो हीरो का वो 3D का लोगो, जो मैं आपसे कहता हूँ कि ये करीब 450 से 500 रुपये का है, तो वो अब आ चुका है और वो इसके साथ रहेगा, क्योंकि स्प्लेंडर प्लस में एक्सटेक के साथ अगर ये लोगो ना दें तो क्या ही देंगे। बाकी अगर देखा जाए तो ये एक्सटेक की वजह से इसमें जो है डिस्प्ले आपको पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। अब चेंज होने का मतलब कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि एक्सटेक में ये लेकर ये लग करके आता ही था, तो जब ये लग करके आ ही रहा है तो क्या इसमें कोई और चीज़ चेंज हुई है डिस्क लगने की वजह से? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो तो कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है, वही हेलो माय हीरो करके आएगा। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो वैसी ही है, मोड वहीं पर है, चार्जिंग का पोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने फ़ोन को ऑन द वे ऑन द रोड चार्ज कर सकते हो। तो ये हो गया। बाकी I3S की स्विच यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, स्विच स्टार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सारी जो स्विचेस हैं वो अभी भी प्रीमियम वाली नहीं है, जो मैं आपसे कहता था कि बेकरी टाइप इसमें स्विचेस हैं, तो वो वाला जो एक वेरिएंट में आया था कि स्विचेस पूरी चेंज कर दी गई थी, वो इस वाले वेरिएंट में फिलहाल नहीं है। लेकिन हाँ बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि प्राइसेज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब आप खुद सोच लो कि 100 CC में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो बजाज के पास ये डिस्क आया करती थी, और साथ में उन्होंने ABS भी डाल दिया था, अब जो है आपके पास स्प्लेंडर प्लस भी एक ऐसी बाइक है जिसमें आपको डिस्क सामने देखने को मिल जाती है। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई पीछे क्या है, तो पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो पीछे यहाँ पर आपको जो है ड्रम ब्रेक्स अभी भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है। अब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम वही CBS जो कि कम्बाइंड यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक मैकेनिज्म डिवाइस लगा हुआ है जो कि रियर ब्रेक अप्लाई करने पर फ्रंट वाली भी अप्लाई होती है। तो ये कह सकते हैं कि ब्रेकिंग काफ़ी तगड़ी हो चुकी है। बाकी अगर रियर टायर की बात करें तो 80/18 का वही टायर जो कि MRF का दिया गया है। आपको यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग विद एक्सटेक मिल जाती है, I3S की बैजिंग यहाँ पर जो कि नायलॉन स्टिकर में है, FI की बैजिंग जो है वो यहाँ पर है। बाकी टूल रखने का जो ये स्पेस है वो काफ़ी बड़ा कर दिया गया, यानी इसमें कुछ ज़्यादा ही आप टूल्स रख सकते हो या और भी कोई डॉक्यूमेंट टाइप चीज़ें वो यहाँ पर रख सकते हो। बाकी मैं आपसे कहता था कि HF में और स्प्लेंडर प्लस के हेड में काफ़ी अंतर है, तो वो यही है कि अगर आप अभी जाओ अपने आसपास के शोरूम पर, तो वहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि जो स्प्लेंडर प्लस का हेड है वो काफ़ी फिनिश है, मतलब उसमें अनइवननेस नहीं है। वहीं अगर आप HF डिलक्स या HF 100 की तरफ जाओगे तो वहाँ पर जो इसका हेड है लगता देखने में सेम है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनइवन होता है एक्सटेक उसमें, HF डिलक्स में और HF 100 में। खैर हम लोग उसकी बात ना करते हुए सीधा अपनी तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको तो लेग गार्ड जो है वो क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाएगा, ब्रेक फुट रेस्ट जो है वो आपको वही रबराइज मिलेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा एक
पोर्ट डाल दिया गया है ताकि आपका जो लेग है वो इंजन की तरफ ना जाए। किक स्टार्ट आपको देखने को मिल ही जाता है, जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी बताया था। सीट वही पुरानी वाली है, कुछ खास चेंजेस नहीं है। हाँ, लेकिन ये है ग्रैब रेल जो है इसका वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, और इसकी वजह से इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होकर के आ जाता है। तो बहुत से लोग सोचेंगे कि क्या ये वाला ग्रैब रेल हमारी नई वाली बाइक में या पुरानी वाली बाइक में लगाया जा सकता है। तो हाँ, एक बार लगाया जा सकता है, एक बार देख लेना। एक और चीज़ यार कि इसमें जो इंडिकेटर है वो नहीं चेंज किया गया, जबकि इंडिकेटर इसमें स्प्लेंडर प्लस में ही ऑलरेडी आ चुके हैं चेंज होकर के, लेकिन अभी तक इसमें भी बॉक्सी शेप ही आया हुआ है। इसका जो टेल लाइट है वो भी नहीं चेंज हुआ, जबकि ये भी चेंज हो चुका है एक बार, फिर भी अभी तक इसमें कोई भी जो ये सेक्शन है वो चेंज नहीं हुआ है। इवन जो मडगार्ड है रियर का वो भी चेंज हुआ है अदर स्प्लेंडर प्लस में, लेकिन वो अभी भी इसमें नहीं चेंज हुआ है। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप देख लो 5/8/2024 इसी महीने में, आप देख लो 5/8/2024 में ये मैन्युफैक्चर हुई है, और बहुत जल्द ये इंडिया में अपलोड भी कर दी गई, अपलोड इन द सेंस मतलब पहुँचा दी गई। बाकी यहाँ पर देखो हीरो का ऐप से कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, यानी इसका भी एक ऐप है, और E20 की बैजिंग जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। फिलहाल E20 अभी तक कितना सक्सेस है कितना नहीं वो तो आप लोग बताओगे। बाकी एक चीज़ है कि सर्विस इंटरवल जो है यहाँ पर 6000 किलोमीटर या फिर 6 महीने कर दिया गया है, जो कि फर्स्ट सर्विस के बाद से लागू होगा। फर्स्ट सर्विस जो है वही 700-800 के बाद हो जाती है या 1000 के आसपास होती है, लेकिन उसके बाद से आपको 6000 किलोमीटर पर सर्विस करवानी है या फिर 6 महीने में सर्विस करवानी है, जो भी पहले आ जाता है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, और वो ये है कि इसका जो ऑयल कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई है। अभी फ़िलहाल इसमें लिखा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इसकी जो ऑयल कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई है। शायद इसमें लिखा हो कहीं पर, नहीं इसमें नहीं लिखा, लेकिन मुझे शोरूम से मालूम पड़ा कि 100 ml जो है अब इसमें इंजन ऑयल कैपेसिटी जो है वो पहले से काफ़ी बढ़ा दी गई है। बाकी इसका प्लेट वही पुराने वाली दे दी गई, इसमें कोई भी खास चेंजेस नहीं आया। अगर आप इसमें चैन कवर की बात करें तो चैन कवर जो है वो भी आपको इसमें पुराना वाला ही दिया गया है, जो कि यहाँ पर प्लास्टिक वाले दिए गए हैं। और नहीं सॉरी, ये प्लास्टिक का ना होकर के स्टील वाला, दिखने में लग रहा है कि प्लास्टिक है लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टील में है। प्लास्टिक में भी आता है, अभी फ़िलहाल इस वाले वारंटी में इंस्टॉल नहीं हुआ है, अदरवाइज़ आपको ये प्लास्टिक में भी देखने को मिल जाता है। आपको जो भी मिले प्लास्टिक वाला या फिर स्टील वाला, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में कोई खामियां नहीं है, दोनों ही आप लेकर यूज़ कर सकते हो। बस स्टील वाले में क्या है, वो थोड़ा सा नॉइस करता है चैन ढीले होने पर, लेकिन प्लास्टिक वाला नहीं करता है, या फिर अब जंग लगने की उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी इंजन कटऑफ स्विच दे दिया गया है, जो कि आपको दिया गया है यहाँ पर इसके साइड स्टैंड पर, जब भी आपका साइड स्टैंड बाहर निकला रहेगा। और गियर में आप स्टार्ट करके जैसे ही मतलब गियर में स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, या फिर आपने स्टार्ट कर ही लिया न्यूट्रल में और जैसे गियर लगाओगे साइड स्टैंड बाहर निकला रहेगा, तुरंत इंजन बंद हो जाएगा, कुछ भी लड़ने उड़ने की आवाज़ नहीं आएगी। बाकी वायरिंग की क्वालिटी और इसकी बात करें तो वायरिंग की क्वालिटी पहले से धीमे 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 जो है ये कंपनी ठीक करते जा रही है। हाँ ये है कि ये चीज़ अभी जो है प्लास्टिक का आ रहा है, पहले कभी बहुत पहले जो है ये कास्ट का आया था, एल्युमिनियम कास्ट का आया था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखने में लगेगा आपको कि दोनों ही जो है कास्ट एल्युमिनियम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्लास्टिक का पीस है और ये एल्युमिनियम का पीस्ट है। कास्ट एल्युमिनियम कहते हैं आई थिंक, उतना ज़्यादा वो टेक्निकली हम लोग नहीं जाएंगे। बाकी वही FI सिस्टम है जो आपके आपको पता था। देखो एक्सटेक वाला पूरा जो बाइक है वो उठाया गया, उठाने के बाद क्या किया गया कि ग्लैमर का जो है फ्रंट वाला सेक्शन उठाया गया, जो इसका फ्रंट का जो अलॉय व्हील है वो भी ग्लैमर से ही लिया गया है, और जो बाकी चीज़ें हैं वो सब कुछ ग्लैमर से लेकर के इसमें इंस्टॉल कर दिया गया। इवन जो ये वाला पीस है ये वाला भी ग्लैमर से ही उठाया गया है, ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये भी सोच सकते हैं बहुत से लोग कि क्या ग्लैमर का ये सेक्शन, इतना वाला सेक्शन ले करके क्या हम लोग अपनी पुरानी स्प्लेंडर प्लस में लगा सकते हैं। तो एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर आपके पास पैसे हैं, रिस्क है तो आप ले सकते हो और इस चीज़ को अंजाम दे सकते हो। सो दोस्तों आपको इस वीडियो में बस इतना ही मिलेगा, चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक यार प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।